शहर के चंदौदी प्रखंड के कटारी रोड में स्थित जदयू प्रखंड कार्यालय में एक कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जदयू नगर प्रखंड अध्यक्ष सतीश पटेल ने की। बैठक को संबोधित करते हुए युवा जदयू प्रदेश अध्यक्ष टिकारी विधायक अभय कुशवाहा ने कहा कि पंचायतों को मजबूती को लेकर प्रभारी के साथ प्रखंड के 3 भागों में बांटकर कमेटी एवं प्रभारी का गठन किया गया है। एनडीए कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार के शासनकाल में सूबे के चहुमुखी विकास के लिए किए गए कार्यों की जानकारी समाज के अंतिम पायदान पर निवास कर रहे लोगों तक पहुँचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में कौशल विकास योजना के माध्यम से अभी तक 6 लाख युवा स्वरोजगार के प्रशिक्षण लेकर आज आत्मनिर्भर बने हैं। वर्ष 2007 से अभी तक बिहार में साइकिल योजना के तहत छात्र छात्राओं को 3,09,96,674 का साइकिल मिला है। कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं एवं छात्रों के चहुंमुखी विकास के लिए तत्पर हैं। वर्तमान में कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा नागरिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इसके अलावा प्रवासी श्रमिकों को बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, युवा कौशल योजना एवं अन्य कार्यक्रमों पर चर्चा कर प्रकाश डाला गया। बीजेपी नेता राजदीप पंडित ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला गैस योजना, गरीबों के मुफ्त अनाज, आयुष्मान योजना जैसे अनेक योजनाओं से सीधा जनता को लाभ मिल रहा है। मौके पर पूनम देवी, दुलारी देवी, विजय यादव, ललन पासवान, जितेंद्र दास, कुमार गौरव उर्फ गौरव सिन्हा, मोहम्मद मोहन खान, मोहम्मद जुम्मन, सनोज कुमार चंद्रवंशी, राजेंद्र दास, देवेंद्र कुमार गुड्डू, चंद्रिका पासवान, उदय पासवान, जगदीश ठाकुर, मिथिलेश चौधरी, सरयू ठाकुर, गौतम सुरेश कुमार, सूरज कुमार उर्फ छोटू रावत, रंजीत कुशवाहा, शिव पूजन प्रसाद, मोहम्मद इमरान, धर्मेंद्र कुमार वर्मा, राकेश कुमार शर्मा, काशिफ अंसारी, विकास पासवान, प्रशांत कुमार, सुशील मातो, कपिल प्रसाद, दिलीप पटेल, सुनील कुमार यादव, चंद्रिका पासवान, देव नारायण प्रसाद, ललिता देवी, राकेश कुमार यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। हम लोगों ने चुनाव के मद्देनजर इस नगर प्रखंड को 3 भागों में बांटने का काम किया है। एक भाग में हम लोग 5 पंचायत और 1 वार्ड को रखा है और दूसरी कमेटी में हम लोग 5 पंचायत और 3 वार्ड को रखा है और तीसरी भाग में हम लोग 6 पंचायत को रखा है और इन तीनों भाग में प्रखंड स्तर के जितने भी साथी हैं उनको प्रभारी के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया है और नियुक्ति के बाद वो इन पंचायतों का दौरा करेंगे और दौरा करके बूथ बाई 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे। सारे समीकरण को मिलाकर, एनडीए गठबंधन के समीकरण को मिलाकर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे और उसके बाद माननीय नेता नीतीश कुमार जी की मजबूती के लिए निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन की पुनः 2020 में सरकार बनाने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ इस बार हम लोग चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि 2010 में जो 1 सीट गया जिला का रह गया था एनडीए गठबंधन के खाते से जो बच गया था, इस बार वो भी बचने वाला नहीं है। 10 का 10 सीट एनडीए गठबंधन में निश्चित तौर पर गया जिला का जाने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट।